एवरेज आएगा, तो उसमें एवरेज आएगा समझ लो आप 20-21 का। तो यार आज कर रहे हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और जो ड्राइव रिव्यू वगैरह वगैरह एक्सपीरियंस कैसा है वो देख लो। और रोड साइड में शूट कर रहा हूँ तो आवाज़ आएगी। जो गाड़ी जो है अभी आई हुई है अपनी, ये अभी हर्षिल वैली वगैरह घूम के आई है, पूरे आप समझ लो 1100-1200 किलोमीटर चला के आया हूँ अभी इसको, तो पूरा एक्सपीरियंस दूंगा, इसमें पूरा रिव्यू बताऊंगा। जल्दी वहां से हटो। जैसे देखो गाड़ी में जो मैंने करवाया था वो फिर से बता देता हूँ। ये देखो ये टेल लाइट लगा हुआ है, ठीक है, इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो देखो ये टेल लाइट इस तरह से कुछ दिखता है, वैसे रात को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो अभी इस टाइप से दिख रहा है, बहुत मस्त दिख रहा है। और ये पीछे की कुछ ये भी लगवाई थी मैंने, ये जो है ना साइड में, तो बाकी सारी चीज़ें तो बता ही रखी है मैंने कि इसमें बाहर से मैंने क्या काम करवा रखा है। अब मैं दिखाता हूँ इसमें जो एवरेज है वो क्या है। जो पहाड़ों पे जो एवरेज मिला है मुझे वो मिला है भाई, अभी एसी एक सेकंड बंद कर देता हूँ, वो मिला है अभी इसमें, अभी शो हो रहा है 17.3 पहाड़ों पे इसने दिया था मुझे ऑलमोस्ट 19-20 का। और तो सिटी में जो माइलेज इसने दिया है वो 17.3 का दिया, हालांकि हाईवे पे तो आपको ही पता है ज़्यादा ही होगा, और हाईवे पे आप समझ लो अगर फुल खींच के चलाएंगे 100, 110, 115, 120 पे तो एवरेज आए तो, और जैसे शहर में अगर चलाएंगे तो 17-18 आई रही है, हाईवे पे अगर फुल खींच के चलाएंगे ज़्यादा नहीं 18-19 का एवरेज दे देती है, और एकदम आराम से चलाओगे बिल्कुल 70-80 पे तो कौन चलाता है खैर हाईवे पे। तो बाकी इसके रिव्यूज में आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें नेगेटिव है पॉजिटिव है। स्टेयरिंग का जो फीडबैक है भाई, स्टेयरिंग का फीडबैक जो मैं बोलूँगा, हालांकि मैं फोर्ड इकोस्पोर्ट से इस पर शिफ्ट हुआ हूँ तो इतना अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज़ मैंने इसके स्टेयरिंग को बाहर से चेंज करवाया था, करोल बाग से जो सारा काम करवा रहा था ये स्टेयरिंग भी मैंने चेंज करवाई, भाई ये हमेशा ना यूँ रहता है थोड़ा, ठीक है, तो इसको यूँ रखना पड़ता है, तो अगर यूँ रखोगे ना तब ये सीधा चलेगा, सीधा करोगे तो थोड़ा राइट जाएगा, हालाँकि अभी मैंने इसको टिल थोड़ा सा नीचे किया है, हाइट में नीचे किया है, तो अभी इसका पता नहीं क्यों सही लग रहा है चलाने में, तो अभी देखता हूँ 1-2 दिन और सही रहता है या कुछ नहीं। बाकी जो फिट एंड फिनिश है मारुति की वो तो आप लोगों को पता है ही, थोड़ी हल्की होती है, हालांकि नॉर्मल जो मारुति की गाड़ियाँ होती है उससे अगर आप कंपेयर करोगे, इसकी डिक्की खोलोगे और इसकी दरवाज़ों को देखोगे, जैसे ये देखो मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, देख रहे हो जो साउंड है ना वो काफ़ी हैवी है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जो इसकी डिक्की का जो वेट है ना, जैसे अभी मैंने ये ओपन किया समझ लो, इससे जैसे मैं यहाँ से भी क्लोज़ कर सकता हूँ, जैसे क्लोज़ करूँगा ना तो देखो वेट है काफ़ी इसमें। बाकी अगर फिट एंड फिनिश की बात करें तो यार आपको पता ही है मारुति है तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो जैसे मान लो मैं हज़ार लाइट ऑन करूँगा, ये देखो अभी बटन ना अजीब सा हो जाएगा, देखो ये देखो ये देख रहे हो नीचे गैप, ये ऊपर से चला गया, ये देखो यूँ, अब इसे मैं ऑन करूँगा तो ये बाहर से ही आ जाएगा, ये अभी देखो अजीब सा हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मारुति कभी सही मेरे को लगता नहीं है करेगी कभी भी, तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं, और बाकी सब कुछ तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं। और ये एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो मैंने ना IRVM लगवाया था इसमें, ऑटो IRVM, ये देख रहे हो क्वालिटी, ये देखो यहाँ पे सही है, ये देखो अब इसको क्या ही कर लोगे आप बताओ, ये क्या कर लूँ इसका मैं, हालांकि ये लाइट मैंने लगाई तो ठीक है, अब इसका कुछ कर नहीं सकते, और इनकी फिट एंड फिनिश का कुछ कर नहीं सकते। और ये देखो दरवाजे के बीच में जो गैप है ना, ये देखो, और ये जब मैं शीशा नीचे करता हूँ ना, देखो कैसा सा वाइब्रेट करेगा देखना, अभी देख रहे हो, ये देखो अभी यार शायद कैमरे पे इतने अच्छे से नहीं दिख रहा हो, इतना गैप है, ठीक है, इसमें क्या बारिश का पानी अंदर घुस जाता है, उस तरफ से भी गैप है थोड़ा सा। 4-सिलेंडर इंजन 1.2 नेचुरल स्प्रेटेड, चलने में अच्छी है, चलने में तो सही है, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट करोगे ना बिल्कुल टर्बो जैसा भागे यार, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है, बिल्कुल मक्खन की तरह, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा 2-2500 RPM पे खींच के, थोड़ा सा RPM 2-2500 के आसपास रख के आपको गियर शिफ्ट करोगे हाईवे पे बेसिकली, तो स्पीड अच्छा पकड़ लेगी, 100, 110, 120 पे अच्छे से चली जाएगी, लेकिन उससे ऊपर भगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा आपको उसके ऊपर भगाने में, ना कॉन्फिडेंस आएगा ना मज़ा आएगा, एक बार आप चला के देख लेना खुद से तो मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। और तो गाड़ी में ऐसी कुछ कंप्लेन करने के लिए, ये पहला मैंने सर्विस करवाया तो उसमें कोई 40-50 रुपए का बिल आया, और कोई 2500 या 2800 रुपए का मैंने इसमें कोटिंग करवाया था, नीचे अंडर बॉडी कोटिंग करवाई थी क्योंकि अभी बारिश का टाइम है। पीछे अगर स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, जैसे मेरी हाइट 5'8" है, ठीक है, 5'8" मेरी हाइट है, देखो मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, कितना बेहतरीन, ये देखो
लेग स्पेस, ये देखो लेग रूम इतना बढ़िया मिल रहा है मेरे को, मतलब जितना चाहिए नहीं उतना मिल रहा है और बिल्कुल मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है ये। थाई सपोर्ट मैं इतना अच्छा नहीं बोलूंगा लेकिन मुझे बिल्कुल भी, जैसे मैं पीछे तो खैर बैठना ही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि थाई सपोर्ट कम है भाई। एक तो सीट मैंने बकेट करवा रखी है पूरी, हालांकि ये सीट कंपनी की थी लेकिन मैंने फिर इसको बकेट करवाया था करोल बाग से, तो कम्फर्ट बहुत बेहतरीन है। जो हेडरूम है ये देखो, देख रहे हो, चार इंच या समझ लो आप इतना जो है ना, इतना मुझे हेडरूम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और जो इसकी ये प्लेसमेंट है मेरे हाइट के हिसाब से कितना परफेक्ट बैठ रहा है ये। पे ग्रैब हैंडल है, यहाँ भी एक ग्रैब हैंडल है, एक ग्रैब हैंडल वहाँ पे भी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये जो आप देख रहे हो ना, इससे भाई ये मत सोचना कि बैक एसी, इसके किसी भी मॉडल में जहाँ तक मुझे पता है बैक रियर एसी है नहीं। तो मैंने जो ये लगाया था ना ड्राइवर आर्मरेस्ट जो मैंने लगाया था उसके साथ ना ये डेमो दिख रहा है बस। हालांकि उन्होंने बोला था कि 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे यहाँ, इस एसी को भी हम वर्किंग कर देंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं इतना नहीं छेड़ना गाड़ी को। फिट एंड फिनिश तो एक तो मैं बिल्कुल भी रेट नहीं करूँगा इसे, बिल्कुल भी ख़राब है। ऊपर का ये तो फिर भी ठीक है, ठीक है, वहाँ पर जो मैंने दिखाया था आपको उस जगह पर, वहाँ पर तो खैर बिल्कुल घटिया ही है, बिल्कुल समझ लो आप। बाकी कम्फर्ट, सस्पेंशन वगैरह सब कुछ बढ़िया है इस प्राइस रेंज में, जो होना चाहिए उसके हिसाब से। आपको अगर रियल एक्सपीरियंस लेना तो आप चला के देख लो, भगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना ग्राउंड क्लियरेंस भी 190 mm है, तो उससे भी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं कि नीचे से लग जाएगी या कहीं भी। तो अभी मैं इसे इतनी दूर लेके गया था, हर्षिल वैली वगैरह 12 घंटे दिल्ली से है, अभी एक वीडियो आने ही वाला है मेरा, इस वीडियो से पहले वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा हर्षिल वैली का। गंगोत्री भी गया था मैं, तो गाड़ी गंगोत्री भी जाके आई है भाई। तो ये एक चीज़ हो गई। अभी जो मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा ब्लॉग आएगा वो ब्लॉग आएगा कश्मीर का, मैं दिल्ली से कश्मीर जा रहा हूँ, तो उसमें भी गाड़ी को देखूंगा कि गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था, छोटी मोटी चीज़ें जो ओनरशिप रिव्यू है। देखो ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप सब ने मारुति की गाड़ी तो चला ही रखी है ना, तो मैं कुछ ऐसा नया तो बताऊंगा नहीं। बस इस गाड़ी के लिए जो नया था वो मैंने बता दिया। जो गाड़ी का इंजन है वो बिल्कुल बलिनो जैसा ही है, बस ट्यूनिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे है, कुछ BHP पावर ऊपर नीचे, 2-4 BHP, तो उसका ही फ़र्क है जो है। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।